प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और जहां उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी पहुंचे। विधानसभा परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने जनता का अभिनंदन किया और रैतिक परेड की सलामी भी ली। रैतिक परेड की सलामी लेने के बाद गुब्बारे उड़ाकर पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कचहरी परिसर देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य बना। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड युवावस्था में है। 2025 तक उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। 2 सितंबर को मसूरी में हुआ था और अक्टूबर में जो है हमारे मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, तो मैंने देखा है कि नजदीक से हमारे जो शहीदों के सपने थे, जो हमारे आंदोलनकारियों की भावनाएं हैं, उन सबकी भावनाओं के अनुरूप, हमारे शहीदों के समूह उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मैं सारे अपने जितने भी उत्तराखंड के अमर शहीद हैं उन शहीदों को नमन करता हूँ और आंदोलनकारियों की। उत्तराखंड स्थापना दिवस की 21वीं सालगिरह पर खटीमा में निर्माणाधीन शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों को स्थानीय जनता ने राज निर्माण के लिए शहादत देने वाले शहीदों की याद में दीप जलाकर उनकी शहादत को याद किया। वहीं इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन से शहीदों की शहादत को नमन किया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस अवसर पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राजधानी के शहीदों को याद किया गया। एक खटीमा की भूमि क्रांति भूमि है, वीर भूमि है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 21वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आज खटीमा वासियों ने एक मत होकर, एक स्वर होकर खटीमा के निर्माणाधीन शहीद स्मारक पर शहीदों की याद में और उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस की शुभकामनाओं हेतु यहाँ पे दीप प्रज्वलन कर उनको याद किया। कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और ये खटीमा का सौभाग्य भी है कि आज टेलीफोनिक माध्यम से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी यहाँ पे शुभकामनाएं प्रेषित की गई। उन्होंने यहाँ के सभी जनता जनार्दन से संवाद किया और शहीदों के परिजनों को याद करते हुए उनके अतुल्य योगदान को सराहनीय बताया और ये साथ साथ ये भी कहा कि वो शहीदों के निर्माण के लिए, शहीदों की सरहद का जो एक बलिदान हुआ है। 2022 विधानसभा चुनाव से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपना वोट बैंक बढ़ाने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने ऐलान किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 से 3 साल के अंदर ही गैरसैंण को प्रदेश की स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। तो बड़ा बयान दिया है कांग्रेस की तरफ से। 3 साल के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ले करके राजधानी वहां से क्या हमने हम म्यूजियम के लिए बढ़ाया है हमने विधानसभा भवन को? जब उत्तराखंडी लोग उनसे ये सवाल हमारे सामने सवाल करते हैं तो मेरा मन जो है उनसे पूछने को कहता है कि ये जो सचिवालय जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है गैरसैंण के अंदर, क्या वो म्यूजियम के लिए, गैरसैंण म्यूजियम के लिए हमने राजधानी के लिए बनाया है ना? पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआ विधानसभा के बिंदुखत्ता पहुंचकर विगत माह आई आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मुलाकात करते हुए अधिकारियों से दूरभाष पर बात करते हुए पीड़ितों को जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही पुनर्वास किए जाने की मांग की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपदा पीड़ितों को आश्वासन देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं उन्होंने कहा कि आपदा आने से पूर्व गौला नदी के पानी को रोकने के लिए कोई
भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है जिससे ऐसी आपदा को रोका जा सके। गौला नदी के तटबंध टूटे पड़े हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि आज आपदा आए हुए 3 हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा बिंदु खत्ता आपदा पीड़ितों को भूमि तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। तो मुआवजा देने में कोई दिक्कत सरकार को नहीं, उन मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए और अब मुआवजे के साथ साथ इनको जमीन देना भी जरूरी है। कहीं कहीं बेनाम जमीन को जमीन निकाल करके शासन को इनको देनी चाहिए जहां ये अपना परमानेंट व्यवस्था कर सकें। और एक बात जो लोगों ने यहां उठाई है, ये हर साल का मामला हो गया है। एक बार हमने दुर्गापाल जी थे मंत्री उस समय कुछ तटबंध बनाए थे यहाँ, तो यहाँ कुछ और टीम 21वें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर नई टिहरी के प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में प्रदेश कैबिनेट मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत पहुंचे, जहां राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि स्वरोजगार की योजना प्रदेश में संचालित की जा रही है जिससे बेरोजगारी को दूर किया जा सके और इसमें सरकार काफी हद तक सफल भी हुई है। इसी के साथ कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने विकास पुस्तिका का विमोचन किया और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल और विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। दोनों चीजों में सामंजस्य होना चाहिए, जहां युवाओं को मौका मिलना चाहिए और हमारी पार्टी ने युवा को मुख्यमंत्री बनाकर मौका दिया भी है, वहीं अनुभव भी देखिए दोनों चीजों का तालमेल होता है। अनुभव और होश और जोश दोनों जब साथ होते हैं, अनुभव और उत्साह जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो बहुत। उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर को बीएसएम इंटर कॉलेज रुड़की में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री मनोहर लाल शर्मा एडवोकेट ने शिरकत की। विद्यालय में सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, गंगा क्विज प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुरूप इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मनोहर लाल शर्मा ने सभी को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि अपने देश की आजादी के बाद हमारा राज्य उत्तराखंड उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का ही एक भाग था। नई टिहरी जिला युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में युवा महोत्सव 2021 का नई टिहरी स्थित बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित किया गया। युवा महोत्सव का उद्घाटन अपर जिलाधिकारी रामजी शरण श्याम द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस महोत्सव में जनपद टिहरी के 9 विकास खंडों की सांस्कृतिक टीमों द्वारा अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। हमारा उत्तराखंड का स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे एक युवा महोत्सव कार्यक्रम है जो कि जनपद स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व ये प्रतियोगिताएं हमारे प्रत्येक विकासखंड हमारे जनपद के 9 विकास खंडों में आयोजित हुई हैं और विकास खंडों के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी लोकगीत में, लोक नृत्य में और एकांकी नाटकों में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया वो आज यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इनके प्रस्तुतीकरण से हमारे निर्णायकों का जो निर्णय आएगा उसके पश्चात इनको विकासखंड नारायण बगड़ के प्रधानों ने सरकारी सिस्टम से परेशान होकर विकासखंड मुख्यालय में अपना विरोध प्रदर्शन कर धरना प्रारंभ कर दिया है। प्रधानों के 13 सूत्रीय मांगों में कहा गया है कि अभी तक बीडीसी की बैठक में आयोजित नहीं की गई है और ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में भी कर्मचारी और अधिकारी रुचि नहीं ले रहे हैं, जिस कारण पूरे जिले में 9 ब्लॉकों में से नारायण बगड़ ब्लॉक सबसे निचले पायदान पर जा रहा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जिस प्रकार से प्रधानों के साथ प्रधानों का शोषण किया जा रहा है या जिस प्रकार से प्रधानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उससे दुखी होकर के हमारे ही प्रधान पैठाणी के प्रधान जी मृत्युंजय परिहार जी ने
और अपनी तरफ से जो है एक 12-13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन खंड विकास अधिकारी जी को यहाँ पर लिखा हुआ है, जिनके समर्थन में आज हम तमाम प्रधानगण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि जिस प्रकार विकास खंड में लोगों के प्रधानों के काम नहीं हो पा रहे हैं समय पर, उससे हम सारे प्रधान जो है यहाँ पर हताश हैं और निराश हैं। हम चाहते हैं कि कर्मचारी और प्रधानों के बीच आपसी जो सामंजस्य है वो बढ़िया तरीके से स्थापित हो, ताकि गांव में रोज़गार के हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे पाएँ। देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे ग्राम प्रधान हैं वो एक ग्राम पंचायत की उम्मीद के रूप में, ग्राम पंचायत वासियों ने उनको उम्मीद के रूप में अपना प्रतिनिधित्व कर करके विकास खंड स्तर पर अपने न्यायोचित मांगों के लिए भेजा जाता है, और ग्राम पंचायत की जो आम जनमानस होता है उसका ग्राम पंचायत के जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं ग्राम प्रधान, उन पर बहुत बड़ी उम्मीदें होती है। मैं कई दिनों से ये सोच रहा था कि जो विकास खंड स्तरीय जो मांगे हैं हमारी 13 सूत्री जो मेरी मांगे हैं, उस पर ये विकास खंड स्तर से कोई संज्ञान में लेने वाला नहीं, जबकि पूर्व में विकास खंड अधिकारी को भी हमने कई बार मौखिक और लिखित रूप से दिया था, लेकिन यहाँ ऐसा चल रहा, अपनी मनमानी चल रही है, जबकि देश में संसदीय सत्र चल रहा, विधानसभा सत्र चल रहा है और जिलों में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का भ्रमण चल रहा है, तहसीलों में तहसील दिवस हो रहा है, और यहाँ आज विकास खंड में ना तो PDC हो रही है। जो ये ज्ञापन की कॉपी है इसको अभी आप पढ़ भी रहे हैं, मैं भी पढ़ूंगा, और जिस जिस कर्मचारी से संबंधित जो भी स्थिति होगी उस पर हम अपने कर्मचारियों को फील्ड वालों को बुला करके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पूरी ये न रहे कि भाई थोड़ा सा वर्तमान में स्थिति, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 10 ग्राम विकास जगह 5 ही हैं, 8 पंचायत अधिकारियों की जगह 5 ही हैं, तो थोड़ा सा, लेकिन वो किसी जो भी आप लोगों ने उसमें लिखा होगा तो उसके बारे में वो भी अपना स्पष्टीकरण देंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस जहां एक और बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी उत्तराखंड के नैनीताल में कई ग्रामीण क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसका एक उदाहरण कालाढूंगी विधानसभा के उधम सिंह नगर और नैनीताल को जोड़ने वाला बैलपड़ाव बाजपुर मुख्य मार्ग है, जिसका आज भी हाल आज जिस तरह से तहस नहस है, ये रास्ता मुख्य मोटर मार्ग कॉर्बेट नेशनल पार्क को भी जोड़ता है, जिसका सीधा असर पर्यटन को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड सरकार के बाद झूठी साबित होती नजर आ रही है। बता दें कि बाजपुर नगर किसानों की उपयोगिता हेतु मिलने वाले सामान के लिए भी प्रसिद्ध है, चाहे बीज खाद या कृषि यंत्रों की बात करें तो मुख्य मार्ग यहीं से बनते हैं और जाते हैं, और ये सड़क अब वीरानी की कगार पर है। उत्तराखंड राज्य बने आज 21वां वर्ष पूर्ण होने जा रहा, तो 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद सरकार के द्वारा अभी तक जो कि काम होने चाहिए थे, जैसे हमारे क्षेत्र में बैलपड़ाव से बन्नाकेला मार्ग मात्र 7 किलोमीटर है, और जिसमें आम दिन आए दिन दुर्घटना होती है, और उसमें स्कूल के छात्र बाजपुर जो पढ़ते हैं और यहाँ पर जो छात्र पढ़ते हैं वो नीचे बन्नाकेला वगैरह से आते हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा, और स्कूल वालों ने और जो इस रोड पर बसें चलती थी वो बसें बंद कर दी गई बस मालिकों के द्वारा, क्योंकि रोड की कंडीशन ऐसी है उन्होंने अपनी बसें नहीं तोड़नी, इसलिए दूसरा किसानों से जुड़ा हुआ बाजपुर हमारा है, क्योंकि वहाँ पर सारे जितने भी टेक्निकल मैकेनिकल जो भी सामान हम लोगों को नज़दीक में मिलता है वो बाजपुर में मिलता है, तो किसानों को आने जाने की भी बहुत परेशानी होती है। तो मैं कहूँगा कि इस स्थापना दिवस पर इनको शर्म आनी चाहिए, बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है। SSP हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट घोटाले के मामले को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि फर्जी टेस्टिंग घोटाले के मुख्य दोनों आरोपी पिशरत पंत और मल्लिका पंत को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते जून महीने में हरिद्वार कोतवाली में इस मामले में केस दर्ज किया गया था। इस मामले की SIT टीम लगाकर जांच करी जा रही थी। कोरोना की पहली लहर के बाद कुंभ मेले का आयोजन 2021 में आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच के लिए हर की पौड़ी सहित उत्तराखंड की सीमाओं पर कई जगह कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था की गई थी। वहीं डॉक्टर
योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कुंभ मेले के दौरान कोविड जांच रिपोर्ट में आने वाले श्रद्धालु के नाम पर 1,24,031 फर्जीवाड़े कोविड टेस्टिंग आंकड़े तैयार किए गए थे और फर्जी टेस्टिंग दिखाकर लगभग 4 करोड़ से अधिक सरकारी धन को हड़पने का प्रयास किया गया था। वही कोविड टेस्ट घोटाले के मुख्य आरोपी शरद पंत और उनकी पत्नी मल्लिका पंत को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी 5 लोग और इस फर्जीवाड़े को लेकर हमारी पकड़ से बाहर है, जिन्हें प्रपत्र के आधार पर जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, महाकुंभ 2021 में एक घोटाला प्रकरण सामने आया था, जिसमें कि कुछ फर्जी टेस्टिंग के नाम पर बिल जनरेट किए गए थे और सरकार से पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। इसमें प्रारंभिक जांच के बाद जो तत्कालीन यहाँ पर CMO थे, उनके द्वारा FIR कायम की गई थी। तो इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो शरद पंत और मल्लिका पंत हैं, उनको आज गिरफ्तार किया गया है। ये जो सारा प्रकरण है, ये बेसिकली फिक्टिशियस आइडेंटिटी जनरेट करके, एक काल्पनिक टाइप के नाम जनरेट करके और उनकी टेस्टिंग दिखा के उनके बिल प्रस्तुत करने का ये मामला था। तो इन दो गिरफ्तारियों के साथ इसमें एक मैं कहूँगा कि पॉजिटिव का उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में प्रदेश अध्यक्ष अमित जोशी के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने न्याय के देवता चितई गोलू देवता के मंदिर पहुंचे, जहां पर पहुंचकर आप कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के 21 साल की बदहाली के लिए भाजपा और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। इससे मुक्ति पाने और उत्तराखंड की जनता को न्याय देने की मांग करते हुए अर्जी भी लगाई। उसके बाद अल्मोड़ा के चौघना पाटा में आम आदमी पार्टी ने BJP और कांग्रेस को गैर जिम्मेदार बताते हुए एक चार्जशीट जारी की है, जिसमें जनहित के 21 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड की हालत ऐसी हो गई है जैसे किसी ने उसका चश्मा तोड़ दिया, उसके बाल नोच दिए, उसके कोट के बटन तोड़ दिए। प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली उत्पन्न होती है, इसके बावजूद हमें मुफ्त बिजली नहीं मिल सकी। अमित जोशी ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आने पर आप मुफ्त नहीं हक की बिजली देगी। इन 21 सालों में हम सरकार से 21 सुलगते सवालों का जवाब चाहते हैं। देखिए, राज्य स्थापना दिवस पर सबसे पहले हमने लोगों को शुभकामनाएं दी, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक 21 सवाल उठाए हैं। उन 21 सवालों को लेकर के जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने पूरी तरीके से उत्तराखंड को बदहाल कर दिया है, युवा बदहाल है, स्वास्थ्य सुविधाएँ पूरी तरह से खस्ता हाल हैं, शिक्षा व्यवस्था पूरी चौपट हो गई है, तो न्याय की मांग को लेकर के सबसे पहले आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता न्याय के देवता गोलजी देवता के मंदिर में पहुँचे। वहाँ पर हमने भगवान से इन पापियों ने जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा है उनसे मुक्ति दिलाने के लिए मांग करी, न्याय की अर्जी लगाई और साथ साथ उत्तराखंड के निर्माण के सपने को सार्थक करने के लिए शक्ति की मांग करी। और उसके साथ साथ आज चूंकि उत्तराखंड 21 साल का हो चुका है और 21 सवाल आज भी बावास्ता वैसे ही पड़े हुए हैं, जिस आंदोलन के राज्य आंदोलन के माध्यम से निकला हुआ राज्य है, वहाँ आंदोलनकारियों के जो सपने का उत्तराखंड था वो आज बिल्कुल नहीं बन पाया। आंदोलनकारी भी आहत है, राज्य की आम जनता आहत है। उसको लेकर के आज उत्तराखंड आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उन मंत्रियों से जो 21 साल तक उत्तराखंड को लूटते फसोटते रहे, 21 सवाल लेकर के आज उनसे मांग करती है कि वो इन सवालों का जवाब दें। पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा, जिला पंचायत सदस्य अजीत पाल, जाट वरिष्ठ जनजाति नेता हीरा सिंह के संयोजन में गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में क्षेत्र के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, युवा व सामाजिक और छात्र संघ के लोगों ने मीटिंग की और सार्वजनिक रूप से यशपाल आर्य का बाजपुर में विरोध करने का निर्णय लिया। मीटिंग में लोगों ने कहा कि यशपाल आर्य अपने लालच के लिए जब मर्जी दल बदल कर लेते हैं। हम पिछले 10 वर्षों से यशपाल आर्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली ने पूरे बाजपुर को शर्मसार किया है। यदि कोई आज BJP में और कभी कांग्रेस में दल बदलों को तो हम वैसे ही खुद ही पसंद नहीं करेंगे कि ये अब आगे 5 साल कांग्रेस की आ गई या BJP की आ गई, जिधर जाना उधर चले गए। मेन बात में सीधी बात कह रहा हूं कि देखिए, किसान जो हमारे जो किसान लीडर हैं सरदार जगतार सिंह बाजवा जी भी हैं, मैं उनका खुलकर नाम ले रहा हूँ, कम से कम 10 महीने से जो अपने घर नहीं बैठा, जो ऐसी तैसी मरा रहा है अपनी जगह जगह, कभी MP जा रहा है, कभी हर महापंचायत में एक राष्ट्रीय चेहरा बना हुआ है, तो यदि आज उसे कांग्रेस पार्टी दरकिनारे करेगी तो इसका खामियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी को पूरे जिले नहीं पूरे प्रदेश में भुगतना पड़ेगा। यह कि हमने सारे इलाके वालों ने सोचा है स्थानीय हमारा को विधायक होना चाहिए, ना कि ये कहते हैं कि जसपाल राय कहते हैं कि मेरी कर्मभूमि है,
इन्होंने ठेका ले रखा है यहाँ पे, अब के जनता इनको जवाब देगी। कभी इनका बीजेपी में जाना, कभी इनका कांग्रेस में जाना, दल पलटू आदमी है, इसका कोई यकीन नहीं, इनका इसका धर्म अपना खो चुके हैं ये बिल्कुल। कैसे यकीन करेगी जनता इनके ऊपर, यकीन ही नहीं करेगी जनता ने के ऊपर, यकीन उठ चुका है इनके ऊपर। और ये अगर इन्होंने कुछ बात यहाँ पे आके इलेक्शन की कोई बात। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस अल्मोड़ा के नए जिलाधिकारी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मौजूद कैबिनेट मंत्री और अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि जन आंदोलन से उत्तराखंड राज्य बना। उन्होंने राज्य आंदोलन को नमन करते हुए कहा कि आज 21 साल बाद राज्य औद्योगिक वैज्ञानिक आर्थिक क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए यहां के लोगों के अलावा सरकार के विभाग हैं जिन्होंने समय पर बजट खर्च कर सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम किया है, जिसके लिए राज्य के सभी लोगों को बधाई दी। उत्तराखंड राज्य के लिए एक जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन में बहुत सारे लोग शहीद हुए। उन जो लोग शहीद हुए उन शहीदों को सबको नमन करते हुए ये प्रदेश 21 साल में औद्योगिक क्षेत्र में और वैज्ञानिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में देश जो था राज्यों में अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा। इसके लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को और जो संबंधित विभाग है और सारे जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने समय पर अपना पैसा खर्च किया और आवश्यकता अनुसार जिस आदमी को जरूरत थी, जरूरतमंद आदमी को सरकार की योजना उन तक पहुंचाने का काम किया। आज हमारे राज्य स्थापना दिवस को 21 वर्ष हो रहे हैं और ये जो हमारा राज्य का निर्माण हुआ ये कोई हम विरासत में हमको राज्य नहीं मिला है। इस राज्य के निर्माण के लिए हमारे अनेकों लोग शहीद हुए, 42-43 लोगों ने शहादत दी है और तब ये राज्य हमारा निर्माण हुआ और हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिन है उन्होंने। हरिद्वार के मानुबास में एक विशाल किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है जो 11 नवंबर को लगेगा, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। वहीं सुरेश राठौड़ ने मेला स्थल का निरीक्षण करते हुए कहा कि विधानसभा ज्वालापुर की किसान जनता को ये किसान मेला लगाकर जन सुविधाओं से अवगत कराना चाहते हैं और उन्हें सुख सुविधा देना चाह रहे हैं। वहीं भाजपा नेता मुनीश सैनी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित में काम करती आई है और आगे भी किसानों के में काम करेगी। रोक के बीच में कैंप लगाकर बैठेंगे साल भर, हत्या करेंगे किसी दलित की, वो किसान होंगे? उन्होंने काट काट के मारा, वो किसान हैं? सर राइट टू प्रोटेस्ट तो खैर अधिकार है सर, आर्टिकल 19। अगर किसी ने उसके हाथ को काट के मारा गया, एक दलित की हत्या की गई, उसके ऊपर जवाब दिया किसानों ने क्यों मारा गया? ये सब षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए लखीमपुर खीरी का। और ये किसान मेला भैया, ज्वालापुर विधानसभा की बात करें हम, जी सर, यहाँ के किसानों को यहाँ की जन सुविधाओं से हम सब अवगत कराना चाह रहे हैं, उनको सुख सुविधाएं दें। मेला सम्मेलन करके यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है ग्राम मानुवास में और जिसको किसान लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ में उसको यहाँ पर आएंगे और सब लोगों को, आप जिसे आप अभी पूछ रहे थे मेरे विधायक जी से भी और भाई साहब से भी जो हमारे किसान नेता है, कि आप उस चीज़ से बिल्कुल भ्रांति में रह रहे हैं कि यहाँ पे किसान ही रहेंगे। हम लोग किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही कार्य करती आई है। और दूसरी बात, अभी आपने मैं सारी आपकी बात का बताया तो एक और भी आपने पूछा कि वहाँ पर देखो ऐसा है, बंद कमरे में बैठ के किसान नहीं प्लान बना सकते। बेचारा किसान खेत में रहता है, हमारे लिए अन्न पैदा करता है, अन्न पैदा करने के बावजूद हमारी सारी जनता को जो उससे अन्न मिलता है उसके बावजूद कितना मेहनत वो करता है, मेहनत करने वाले सब यहाँ हमारे किसान भाई। बनबसा पुलिस एसओजी और एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स ने संयुक्त अभियान में चरस तस्कर को बनवास नेपाल बॉर्डर से 4 किलो 250 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। चंपावत जिले के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने बनवास थाने में प्रेस वार्ता करते हुए इस मामले की जानकारी दी। वहीं चरस तस्कर को गिरफ्तार करने वाली पूरी टीम को 2,500 नगद इनाम की भी घोषणा की गई है। पीसी में एसपी पींचा ने यह भी जानकारी दी है कि चंपावत पुलिस ने वर्ष 2021 से अभी तक 50 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 50 किलो और 817 ग्राम चरस बरामद की गई है। पकड़ा एक व्यक्ति को पकड़ा जिसके कब्जे से लगभग 4.25 केजी के आसपास चरस उससे बरामद की गई है।
ये आरोपी जसविंदर सिंह, ये अमरिया पीलीभीत का रहने वाला है और ये पहाड़ की तरफ से ही चरस लेके आ रहा था। तो अभी जिसके तरफ से जहां से भी ये लेके आ रहा था उसको भी हम उसको वांटेड कर रहे हैं, साथ साथ में जो आरोपी पकड़ा गया है इसका भी और डिटेल में पूछताछ करके इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम संभालने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके ऊपर नगर निगम रुड़की में निगम के पार्षद ने वेंडिंग जोन में आज जबरदस्त बवाल किया। इस बवाल में अपने आप को वेंडरों का प्रदेश अध्यक्ष बताने वाले संजय चोपड़ा और जिलाध्यक्ष विनोद कुमार पार्षदों के हाथों पीटने से बाल बाल बच गए, जबकि नगर निगम ने घंटों में ये बवाल चलता रहा। इस दौरान पार्षदों द्वारा वेंडिंग जोन में गरीब वेंडरों को महंगी कीमत पर घटिया स्टॉल देने का विरोध किया गया है। पार्षदों के द्वारा किए गए इस बवाल में बड़ी संख्या में शहर के वेंडर मौजूद रहे। वेंडरों के हितों में पहुंचे उत्तरांचल वेंडर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने आरोप लगाया कि संजय चोपड़ा नाम का व्यक्ति वेंडरों का शोषण करने में लगा हुआ है। अमित अग्रवाल ने आरोप लगाया है जो स्टॉल 45,000 रुपए के करीब में बन सकता है तो हम उसे 1,20,000 क्यों लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय चोपड़ा अपने को हमारा नेता बताता है लेकिन वो अधिकारियों के कमरे में बैठता है और हमारे बीच नहीं आता है। मामला तो मीडिया के संज्ञान में है ही कि यहाँ पर वेंडिंग जोन के नाम से जो क्लीन करने का प्रयास नगर निगम कर रहा है। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ नगर निगम क्यों, क्योंकि आज भी संजय चोपड़ा माननीय असेंबली साहब के ऑफिस में बैठा है। अगर वो हमारा नेता है तो हमारे बीच में आके हमको समझाए वो एसएनएस साहब के ऑफिस में बैठ के हमको बरगलाने का प्रयास क्यों कर रहा है। बहुत कड़वा और सीधा क्वेश्चन है कि अगर संजय चोपड़ा हमारा नेता और हमारे संघर्ष के लिए लड़ रहा है तो वो हमारे बीच में आए, अधिकारियों के ऑफिस में ना बैठे। इसमें संजय चोपड़ा जी आए और जो खोखा 20 से 25 हज़ार का बनेगा उसको 1.5 लाख का देना चाह रहे थे, इसमें 3-4 करोड़ रुपये का घोटाला था। उसमें आगे हमने विरोध करा, सब पार्षदों ने, शहर के मोची आदमी आए, सब ने हमने मिलकर विरोध किया और ऐसा कोई प्रस्ताव न तो नगर निगम से हो न सरकार का कोई इच्छा है कि इनसे 1.5 लाख रुपये लिया जाए। फलस्तीन के ऊपर थोपे जा रहे हैं। आज हम अज्ञात में पुलिस रिपोर्ट भी देंगे और अमित नाम का एक लड़का उनसे पैसे कर रहा था। रुड़की के अंदर जो 6 वेंडिंग जोन बनाए जाने हैं उसमें पहला वेंडिंग जोन बनाए जाने को लेकर के अभी कार्ड सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। तो कार्ड सिलेक्शन को लेकर के अलग अलग तरह के शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, उसको दूर करने के लिए लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। कार्ड सिलेक्शन करना है वेंडर एसोसिएशन ने और वेंडर्स ने, तो उसको लेकर के ही जो अलग अलग कुछ पार्षद लोगों का कहना है कि हाँ भाई ये वेंडर कार्ड लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, तो ये इनका आपसी प्रक्रिया है, इसको अपने आप निपटाएंगे। हमारा काम है कि सही मानकों पर जो निर्धारित मानक है, निर्धारित साइज है और एक रूपता के साथ जो वेंडिंग जोन है वो तैयार होना चाहिए। सर जिस तरह ये तो मैंने फिर बताया कि वेंडर का अधिकार है, उसे मालूम होना चाहिए कि भाई ये पैसे उसने देने, अल्टीमेटली उसी ने बियर करना है, तो जो भी उसकी कॉस्ट आए, जो उसको कम पड़े वो उस कार्ड को सिलेक्ट करे, कोई विषय नहीं है उसमें। धनौनी क्षेत्र के उद्यान विभाग का मामला है जहां आम के पेड़ों को काटने के लिए विभाग से विशेष परमिशन हासिल करना होता है लेकिन वन माफियाओं के बिना अनुमति के ही आम के हरे भरे पेड़ काट दिए गए। अब मामला उजागर होने के बाद धनौनी उद्यान अधिकारी से पूछे जाने पर अधिकारी का कहना है कि हमने इस मामले पर नोटिस जारी कर दिया है जिसमें बिना अनुमति के हार्ड लोपिंग की जानकारी के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इक्कीसवें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जनपद में नए इरादे युवा सरकार के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विभिन्न जन जागरूकता संबंधी प्रतियोगिताओं का शुभारंभ रामलीला मैदान में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी यशवाल बेनाम एवं विशिष्ट अतिथि प्रभारी जिलाधिकारी प्रशांत कुमार आर्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर इसकी शुभारंभ किया गया, जबकि जीआईसी पौड़ी में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी रेणुका देवी द्वारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। वहीं रामलीला मैदान में विभिन्न विभागों एवं एनआरएमएल द्वारा अपने विभागीय स्टॉल लगाए गए जिनका मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के साथ ही अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री बेनाम ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि राज्य आंदोलन में उनकी भी सहभागिता रही है और इसलिए वो राज्य आंदोलनकारियों के त्याग एवं बलिदान को समझते हैं और निरंतर पौड़ी के विकास में अग्रसर है।
मंगलौर कस्बे के मलानपुरा मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर ही कुछ लोग 19 वर्षीय युवक जीशान की पिटाई करने लगे और पीट पीट कर उसे अधबरा कर दिया। इस दौरान आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन तब तक जीशान बेहोश हो चुका था। भीड़ को देखकर हुए आरोपी मौके से फरार हो गए और परिजनों ने जीशान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने जीशान को मृत घोषित कर दिया। जीशान की मौत की खबर सुनते ही लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। भारी तनाव को देखते हुए मौके पर ही भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। वहीं पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश में जुट गई है। तो है कुछ युवकों में आपस में विवाद हुआ है मलानपुरा कस्बा मंगलौर में, इसमें मारपीट में एक युवक की इसमें मृत्यु हो गई। इस संबंध में उसके परिजनों द्वारा जो है तहरीर दी गई है, जिसमें हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो है अभियुक्तों के विरुद्ध तलाश कर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।